नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक शाला कक्षा 8 काव्य 8 माँ कह एक कहानी। हमारे देश में कई प्रकार के धर्म प्रचलित है और कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जैसे इस्लाम, हिंदू, जैन और बौद्ध। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऐसे गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी पढ़ेंगे, जो जीव दया पर आधारित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की जो इकाई है माँ कह एक कहानी, और ये साहित्य प्रकार है कथा काव्य। कथा काव्य यानी कि संवाद शैली में लिखा गया है। दो लोगों के मध्य जो संवाद होता है, और कथा के रूप में इन्हें कहानी के रूप में ये काव्य दिया गया है, और इनके कवि है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में माँ कह एक कहानी, जो एक बच्चा है अपनी माँ से एक कहानी सुनना चाहता है। सब बच्चे कहानी ज़्यादा पसंद करते हैं, दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, तेनालीरामा। तो ये बच्चा भी अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता है। अब ये बच्चा कौन है और उसकी माँ कौन है? गौतम बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ के पहले बाद में बोधि धर्म का अंगीकार किया और गौतम बुद्ध बने, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल, उनके संवाद इस कथा काव्य में है। तो संवाद शैली में लिखा है कथा काव्य गौतम बुद्ध के जीवन का वो अंश बताता है जिसमें जीव दया का संदेश मिलता है। तो यशोधरा अपने पुत्र को कौन सी कहानी बताती है और राहुल कौन सी कहानी सुनने की जिद करता है, इस इकाई में हम जाने से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। अब हम काव्य को पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? बेटा राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ, मुझे तुम एक कहानी कहो, मुझे एक कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया है? नानी अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, तो अब यशोधरा उसे टालते हुए कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है, जो कहानी सुनाओ। कहती है, मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक
कहानी। तो अब राहुल अपनी माँ से कहता है कि कहते हैं मुझसे यह चेटी, चेटी यानी के दासी, तू मेरी नानी की बेटी, यानी कि तू मेरी नानी की ही बेटी है। नानी अगर कहानी सुना सकती है तो तुम क्यों नहीं। माँ कह लेटी ही लेटी, अगर तुझे नींद आ रही है माँ तो तू मुझे लेटते लेटते ही कहानी सुना। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी थी पर मुझे कहानी सुनाओ, यानी अपनी माँ से किसी भी प्रकार से कहानी सुनना चाहता है। इसीलिए वह अपनी माँ से कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले ही ना हो पर तुम उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ। लेटे ही लेटे सुनाओ, राजा था या रानी पर तुम मुझे कहानी सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो अब यशोधरा को लगता है कि ये बच्चा बड़ा हठी है और ये अपना मनमानी मनवा के ही रहेगा, अब ये कहानी सुने बिना मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो कहता है तू है हठी, तू बड़ा हठी है, हठी याने जिद्दी, मान धन मेरे, सब कुछ तुम मेरे हो, सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन याने बगीचा, बड़े सवेरे यानी कि सुबह का समय था, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी कि पिता, तुम्हारे पिता भ्रमण यानी कि घूम रहे थे, सुबह के समय बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी यानी सुगंध, जहाँ पर सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, बस बच्चे को वही कहानी सुननी है। इसीलिए कहता है हाँ हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु चिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग तरह के फूल उपवन में खिले हुए थे। सुबह का वातावरण है, सुबह का सौंदर्य है जो बगीचे का एकदम प्रफुल्लित है, और उस समय अलग अलग प्रकार के फूल बगीचे में खिले हुए थे, झलमल कर हिमबिंदु झीले थे। हिमबिंदु यानी ओस की बूंदे जो सुबह के समय पत्तों पर दिखाई देती है, तो झलमल कर रहे थे हिमबिंदु पत्तों पे, फूलों के जो पत्ते थे उस पर हिमबिंदु झिलमिल कर रहे थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, तो उस समय हवा का झोंका हल्का सा आता है, हवा चलती है, उससे जो उसके जो बिंदु है जो वह हिल रहे थे, उसकी वजह से उसका जो पानी है वो भी लहरा रहा था, लहराता था पानी। बस बच्चे को वही कहानी सुननी है। हाँ हाँ यही कहानी। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विदध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो उस समय सुबह का दृश्य है बगीचे में, उस समय सुबह के समय खग यानी विहग पक्षी,
कलकल स्वर में गा रहे थे। सहसा सहसा यानी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, विदध होकर खग सर से गिरा। विदध यानी घायल, घायल अवस्था में होकर एक खग राहुल के पिता यानी सिद्धार्थ के सिर से नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, पक्ष यानी पंख, उस पक्षी के जो पंख है वो घायल थे और उसके एक पंख को हानि पहुंची थी, नुकसान हुआ था। अब ये कहानी कैसी है? करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी यानी दुख भरी कहानी। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इतने में क्या होता है? सिद्धार्थ चौंक उठते हैं कि मेरे सिर से घायल पक्षी गिरा है और उन्होंने उसे उठा लिया। तो उसको हाथ में उठाने से उनको लगा जैसे नया जन्म उसको उन पक्षी को मिला है और उसे सहलाने लगे। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें दिख ही रहा है कि इतने में से आंखें टक आया। आंखें टक यानी कि शिकारी, जो पक्षियों का शिकार करते हैं। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, और वो शिकारी कैसा था? लक्ष्य सिद्धि के लिए जाना माना था। उसका लक्ष्य खाली जाता नहीं था, जिस पर भी अपना लक्ष्य साधता था उस पर ही वह तीर जाता था। इस बार इस हंस पर उसने लक्ष्य साधा और उस हंस को उसने घायल किया। कोमल कठिन कहानी, तो यह तो कोमल और कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे दांत किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। तो अब उसने क्या किया? आखेटक सीधा सिद्धार्थ के पास आता है और उसने आहत, आहत यानी कि घायल पक्षी जो उसने शिकार किया था वो सिद्धार्थ से मांग रहा है। जो सिद्धार्थ है तुम्हारे पिता, वो इसके रक्षी थे यानी के रक्षक थे, उन्होंने उसे बचाया था, अपने पास ले लिया था, इसलिए उसने खग पक्षी जो खग का शिकार करते हैं उसे अपना भोजन बनाते हैं। कई शिकारी अपने भोजन में पक्षियों को खाते हैं, इसीलिए खग पक्षी शिकारी कहा जाता है। तो ये खग पक्षी जो शिकारी था उसने अपना पक्षी मांगा, लेकिन सिद्धार्थ उस पक्षी का रक्षक था, इसीलिए उसने भी उस पक्षी को शिकारी के हाथों में नहीं दिया। इस पर हट की, हट यानी कि जिद की, शिकारी ने कि यह पक्षी मैंने मारा है, मैंने उस पर निशान साधा है, इसीलिए इस पर मेरा हक है, तो मुझे अब ये पक्षी दे दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उस पक्षी की रक्षा की थी, प्राण बचाए थे, इसलिए सिद्धार्थ ने भी हट की कि ये पक्षी मैं तुझे नहीं दूंगा। इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ रही है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब क्या होता है? दोनों अपने विषय में अटल रहे,
सिद्धार्थ कहता है ये पक्षी के प्राण मैंने बचाए, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। लेकिन शिकारी जो है कहता है कि मैंने इस पर तीर निशान साधा, इसलिए वह मेरा है। यानी दोनों उस विषय पर अड़ गए और दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। जब कोई किसी की बात नहीं सुनता, तब पहले के समय में राजा के दरबार में न्याय व्यवस्था होती थी। तो अब ये कहानी जो किस्सा है न्यायालय तक जाएगा। इस कहानी का जो भी अंत आएगा, उसका जो भी निर्णय आएगा, वो न्यायालय में ही आएगा। इसलिए सभी ने ये बात सुनी समझी और ये अब कहानी व्यापक यानी कि सभी ओर फैल गई। इसीलिए अब इसका निर्णय न्यायालय में ही आएगा। सबने ये कहानी सुनी और एक दूसरे को फैलाई और इस तरह ये कहानी व्यापक हो गई। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब इतनी कहानी सुनकर यशोधरा राहुल की राय लेना चाहती है कि राहुल में इस कहानी का क्या असर हुआ, वो अपना निर्णय क्या लेता है। यानी न्यायालय से जाने से पहले ही यशोधरा अब राहुल से पूछते हैं कि अगर तुम निर्णायक हो तो तुम किसके पक्ष में बोलोगे, तुम अपना निर्णय कैसे दोगे। यशोधरा कहती है कि राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरे भी बात में सुनूं। राहुल कहता है माँ क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ, कभी कभी निर्णायक भी बनना पड़ता है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब वो कहता है कोई निर्दोष को मार रहा हो, निर्दोषी है पक्षी, उसने तो शिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो उड़ रहा था, आकाश में मुक्त है, फिर भी उस निर्दोष को कोई मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए, तो दूसरा जो है उसे क्यों नहीं बचा सकता। यानी सिद्धार्थ ने उसके प्राण बचाए तो वह सही है अपनी जगह। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो। तो राहुल अपना निर्णय अपने पिता के पक्ष में यानी बचाने वाले के पक्ष में देता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली तूने सचमुच कहानी समझ ली। तो यशोधरा को हुआ कि राहुल अपना निर्णय दे सकता है, उसने सचमुच कहानी सुनी है। अब वो समझ गई कि राहुल को भी पता चल रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको भी समझ में आ गई ये कविता। इस कविता में यही सार है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और निर्दोष के ऊपर कभी भी हाथ उठाना नहीं चाहिए, पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए शिकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में सभी को मुक्त रहने का हक है, अधिकार है, जैसे हमें भी अधिकार है तो उनको भी अधिकार है। किसी भी पशु पक्षी की या जानवर की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।
और उसके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। त्यार बाद आवे छे अभ्यास प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा, आंखें टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आंखें टक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार किया हुआ पक्षी मांगा। तीसरा, उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे, फूलों पर उसकी बूंदे चमक रही थी, फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैल रही थी, पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार उपवन की शोभा अत्यंत रमणीय थी। चौथा, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारता है तो क्या कोई उसे नहीं बचा सकता? न्याय में हमेशा दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए हमेशा रक्षक भक्षक से बड़ा होता है। पांचवा, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। बालक राहुल अपनी माता को एक कहानी सुनाने को कहता है। इस समय उसकी माता उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक कहानी सुनाती है। माता राहुल को बताती है कि एक दिन जब तेरे पिताजी उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तब एक हंस ऊपर से शिकारी के बाण से घायल होकर नीचे आ गिरा। तुम्हारे पिताजी ने उसे नया जीवन दान दिया, परंतु शिकारी उस पक्षी को लेने आया और बात न्यायालय में गई। वहां पर यह निर्णय दिया गया कि न्याय दया का दानी है, इसीलिए पक्षी तुम्हारे पिताजी को सौंप दिया गया। प्रश्न बे, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला, लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो अहीं तमारे वचन बदलवानुं छे। अहीं जी नीचे लाइन करेली छे, तो एमां पहेलुं, लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो लड़की नी जग्याए वचन बदलशो एटले थई जशे लड़कीओ। लड़कीओ ने नई ने सलवार नो थाशे सलवारे। लड़कीओ ने नई सलवारे पहनी है। बीजू, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई, तो अध्यापक नो थाशे अध्यापको ने छात्र, छात्र नो थाशे छात्रो। को कहानी, कहानी नु वचन बदल से कहानियां सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। त्रीजू, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। मंत्री, मंत्री नु शुं थासे मंत्रीयो, ने समस्या नु वचन बदल से समस्याओ। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथू, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इसनु वचन बदल से इन, पत्रिका नु था से पत्रिका, ने कविता नु कविताए, ने वह नु वे। लाखो वाक्य बन से के इन पत्रिका में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचमू, लू चलने के कारण लता सूख गई है। अहीं तमारे लता नो वचन बदलवानो छे, लता नो थासे लताए, एटले वाक्य बनशे लू चलने के कारण लताए सूख गई है। त्यारबाद स्वाध्याय आवे छे प्रश्न एक,
काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इमा पहलू छे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने माँ से पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। पछी बीजू आवे छे, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। मेरे पुत्र तुम बहुत जिद्दी हो, अच्छा तो सुनो, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी बाग में घूम रहे थे, उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ यही कहानी सुना। प्रश्न बे, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, पानी और खाद देकर उसे बड़ा कर पेड़ में बनाऊंगा, वह पौधा बड़ा होकर काम सबके आए, प्रदूषण दूर कर शुद्ध हवा दे जाए। प्रश्न त्रण, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। बीरबल ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चूहा है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर चकित रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि चूहा कैसे सबसे अधिक शक्तिशाली है। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक दिन एक ऋषि सूर्य की उपासना कर रहे थे, तब उन्होंने सूर्य को सर्वशक्तिशाली कहा, तो सूर्य ने ऋषि को कहा कि बादल मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, जब वे मेरे सामने आते हैं तो मुझे ढक देते हैं। ऋषि ने बादल को सर्वशक्तिमान कहा तो बादल ने उत्तर दिया कि पर्वत मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जब वे मेरे रास्ते में आते हैं तो मेरे दो टुकड़े कर देते हैं। ऋषि ने पर्वत को सर्वशक्तिशाली कहा तो पर्वत ने कहा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर चूहा है, चूहा मेरा सीना चीरकर मेरे अंदर घर बनाकर रहता है। बीरबल ने कहा, इसी कारण मेरे मत से इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चूहा है। प्रश्न चार, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम शीघ्र वहां पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करेंगे। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की मरहम पट्टी करेंगे और यदि उसे ज्यादा चोट लगी होगी तो 108 को बुलाकर उसे अस्पताल ले जाएंगे। प्रश्न पांच, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने तप करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, यशोधरा उनकी पत्नी थी और राहुल उनका पुत्र था। राहुल अपनी माँ को एक कहानी सुनाने के लिए कहता है। यशोधरा राहुल को सिद्धार्थ के बचपन की एक कहानी सुनाती है। यशोधरा कहती है कि सुन राहुल, एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी, बाग में पक्षी मधुर गीत गा रहे थे,
अचानक एक हंस ऊपर से बाण से घायल होकर नीचे गिरता है। सिद्धार्थ उसे उठाकर उसका उपचार करते हैं, जिससे उस पक्षी को नया जीवन मिलता है। थोड़ी देर बाद उस पक्षी को बाण से घायल करने वाला शिकारी वहां आता है और सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगता है। सिद्धार्थ उसे पक्षी देने से इनकार कर देते हैं, परंतु शिकारी मानता नहीं है। दोनों में बहस होने लगती है और तब बात न्यायालय में पहुंच जाती है। यशोधरा राहुल को यहाँ तक कहानी सुनाकर उससे निर्णय देने को कहती है। राहुल निर्णय सुनाता है कि न्याय हमेशा दया का दानी होना चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए पक्षी सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। यशोधरा राहुल से कहती है कि तुमने सही निर्णय सुनाया, तुमसे ऐसे ही न्याय की उपेक्षा थी।